वेलकम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीस वाइज फंक्शंस के बारे में, जिसमें फर्स्ट फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन, सेकंड फंक्शन है सिग्नम फंक्शन एंड थर्ड फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फोर्थ फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड लास्ट फंक्शन जो है वो है लीस्ट इंटीजर फंक्शंस। तो इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड लीस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में। और भी मैंने फंक्शंस पे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उसे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं, तो बने रहिए। तो देखते हैं मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में। देखिए, मॉड्यूलस फंक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो देख लीजिए, जैसे वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। इसकी मोड एक्स की एक डेफिनेशन होती है, क्या कि अगर प्लस एक्स आएगा कब, जब इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड माइनस एक्स आएगा इफ एक्स इज लेस देन जीरो। तो ये क्या होती है, बेसिक सी डेफिनेशन होती है मॉड्यूलस फंक्शन की। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रेंज और डोमेन के बारे में। तो देखिए, इसका जो डोमेन है वो क्या होता है, इसका डोमेन जो होता है वो होता है आर, यानी रियल नंबर्स। इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी डालिए, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें x की वैल्यू, लेकिन जो इसका रेंज होती है, जो y की वैल्यू आती है, वो एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। उसमें क्या होता है कि अगर आप इसमें माइनस भी डालते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब भी माइनस आता था तो हम उसको मोड लगा के उसमें प्लस कर देते थे उसको। तो जब भी आप माइनस वैल्यू, नेगेटिव वैल्यूज भी डालेंगे, तो आपको क्या कौन सी वैल्यूज मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यूज। तो देखिए, जीरो से लेके इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता। इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपको नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। तो इसका ग्राफ देखते हैं, इसके ग्राफ के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इसका ग्राफ किस टाइप से बनता है। तो ये जो कर्व है ये सिमेट्रिक बनता है वाई एक्सिस के अबाउट, और ये जो कर्व होता है ये होता है मॉड्यूलस फंक्शन का कर्व, जिसमें जो ये एंगल होता है ये होता है आपका 45 डिग्री का, और ये एंगल इधर से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, लेकिन आप अगर इधर से कैलकुलेट करोगे ये 90, तो और ये प्लस 40, तो ये 135 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाता है। इस टाइप से ये मॉड्यूलस फंक्शन का कर्व बनता है। आप इस कर्व को आप आसानी से बना सकते हैं, जैसे इसमें वैल्यूज रखिए जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, यहाँ पे वन तो यहाँ पे वन, यहाँ पे माइनस वन तो यहाँ पे प्लस का वन निकल के आएगा। ठीक है, इस टाइप से पॉइंट्स निकाल के और कोऑर्डिनेट वैल्यूज निकाल के और इनके क्या जाएंगे वैल्यूज और पॉइंट्स को एक मैच करके, और ये कर्व आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो मॉड्यूलस फंक्शन में इसकी जो डेफिनेशन है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पर्पज से, और इनकी रेंज और ये डोमेन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन जो सिग्नम फंक्शन है। देखिए, सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि y is equals to, this is signum f of x and is equals to, अब इसमें देखिए मोड x अपॉन में x या फिर x अपॉन में मोड x हो, ठीक है, ये दोनों चीजें हो सकती है, या फिर जीरो हो। तो इसमें क्या होता है कि ये कब होगा, जब इसमें भी दो चीजें होती है, x is नॉट इक्वल्स टू जीरो पे एंड एक्स इक्वल्स टू जीरो पे। अब देखिए, इसमें एक डेफिनेशन, ये कब ये चीजें होंगी, जब मान लीजिए प्लस वन आए, कब आएगा प्लस वन, इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। माइनस वन कब आएगा, इफ एक्स इज लेस देन जीरो, एंड जीरो कब आएगा, इफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसमें जो वैल्यूज आती है वो क्या आती है, प्लस वन, माइनस वन और जीरो। आप इसमें मोड एक्स में कुछ भी रखिएगा तो दोनों में सेम रखिएगा, तो वो कट के क्या हो जाएगा, या तो वन देगा या माइनस वन देगा, जैसे फाइव पॉइंट फाइव रखा, ठीक है, या फिर माइनस फाइव पॉइंट फाइव रखा तो माइनस फाइव का प्लस फाइव निकल जाएगा, या फिर माइनस वन। कुल मिला के बात यह है कि प्लस वन, माइनस वन या जीरो इसमें आपका आएगा। तो आगे देखते हैं। देखिए, तो जीरो इसमें, अब आप सोचिएगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इसमें जीरो जो है वो इसमें कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे जीरो रखते ही इन्फिनिटी आ जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पहले कंडीशन लगा दी कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर x जीरो के इक्वल हुआ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है, ये आपको याद रखनी है, ये इस डेफिनेशन को याद रखिए।
इसका देखिए अगर डोमेन की बात करें और रेंज की बात करें तो डोमेन इसका होगा एफ ऑफ एक्स, इसमें आप कुछ भी वैल्यूज रखिए यानी रियल नंबर्स, और इसका जो रेंज होगा इसके अंदर देखिए स्पेसिफिक वैल्यूज आएगी। स्पेसिफिक वैल्यूज मतलब कि इसके अंदर कुछ वैल्यूज ही आएंगी जिनको मैं कौन सी कर्ली ब्रैकेट्स में शो करूंगा, ठीक है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कर्ली ब्रैकेट्स, क्यों, क्योंकि जैसे -1, 0 एंड 1 तो इसमें ये तीनों वैल्यूज ही आई ओनली, ठीक है। अगर मैं इसमें क्लोज ब्रैकेट लगाता तो इनके बीच की वैल्यूज भी आती, इसलिए इसको सेट थ्योरी में अपन यूज करते हैं। सेट थ्योरी में केवल उन्हीं उन्हीं वैल्यूज को लेना होता है, इसलिए उसमें कर्ली ब्रैकेट्स का यूज होता है। तो ये यहाँ पे -1, 0 और ओनली 1 ये तीन एलिमेंट्स ही आएंगे इसकी रेंज में। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिग्नम फंक्शन का रेंज क्या होता है, तो आप इसको इस चीज से आप बता सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसके कर्व के बारे में। तो देखिए ये है कर्व किसका, आपके सिग्नम फंक्शन का। तो इसमें देखिए यहाँ पे 1, 0 एंड -1, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, पॉजिटिव में कुछ भी रखिए आपको 1 मिलेगा, नेगेटिव में कुछ भी रखिए आपको 1 मिलेगा, या फिर 0 रखिए तो 0 रेंज में ये वैल्यूज आती है 1, 0 और -1, और डोमेन में आपके x कुछ भी रखिए आप x से एक्स डैश के बीच में। तो ये कर्व था सिग्नम फंक्शन का। अब आगे बढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो देखिए डिनोशन का जो मेथड होता है वो होता है ये, इस टाइप से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो कोई भी अगर मान लीजिए रियल नंबर आ गया जैसे 2.3 आ गया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 2, ठीक है। तो आपको वो इंटीजर ले लेना है जो भी इसके आसपास हो, जो नियरेस्ट और स्मॉलर इंटीजर है वो आपको इसमें ले लेना है। तो इसका इसके अंदर एक दो चीजें और मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए आपका आ गया 0.2, तो आप क्या ले लेंगे 0। तो 0.2 के नियरेस्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है, कौन सा इंटीजर है, वो है 0, स्मॉलेस्ट इंटीजर है 0। अब मान लीजिए माइनस का आपके आ गया, मान लीजिए 7 आ गया, माइनस का 7.02 कुछ भी आ गया। अब इसमें आप क्या ले सकते हैं, इसमें आप ले लीजिए -8, क्यों, क्योंकि -7 के पास में स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है, -8, ना कि -6, ठीक है, -6 ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक कंडीशन होती है, जैसे एन is less than equal to x and less than n plus 1। तो ये वाली जो कंडीशन होती है ना, ये वाली हमेशा ध्यान रखिए, इसमें आपका आंसर हमेशा मिल जाएगा। तो मोड x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा हो, मतलब सॉरी मोड x नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा आपकी होगी n। जैसे मान लीजिए आपका आपका फंक्शन है 2 से 3 के बीच में है, तो क्या होगा, जो आपका मोड एक्स का जो वैल्यू होगी वो होगी आपके क्या 2, क्योंकि ये वाला n है और ये वाला n प्लस 1 है। तो नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया 2, तो आपको 2 ले लेना है। तो अब इसके अगर बात करें रेंज और डोमेन के बारे में, तो देखते हैं। तो रेंज और डोमेन इसका आप ग्राफ की सहायता से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो देखते हैं इसका ग्राफ, पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो देखते हैं इसका कर्व, इसके कर्व में देखिए खास बात यह है कि जैसे ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये एक्स डैश एंड ये वाई डैश। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जीरो आपने जीरो डाला, या 0.1 डाला, 0.2 डाला, 0.3 डाला, ऐसे करके 0.99 कुछ भी डाली, देखिए ए की वैल्यू रहेगी उसकी जीरो। देखिए यहाँ पे आपने 1.1 डाला, 1.2 डाला, 1.3 डाला, x की वैल्यू कुछ भी डाली है यहाँ से, तो आपने कुछ भी डाला तो उसकी वैल्यू क्या आई, हमेशा 1, 2 नहीं आना चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये वाला इसको थोड़ा सा क्या है ओपन किया है, इसमें 2 नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपने मान लीजिए कि आपने 2.1 डाल दिया, 2.2 डाल दिया, 2.3 डाल दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। वैसे नेगेटिव वाले में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस का 2.3 डाल दिया आपने, ठीक है, तो उसमें नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर क्या है आपका, -3,
ठीक है, तो माइनस थ्री आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपने मान लीजिए माइनस का 3.5 डाल दिया तो माइनस फोर आएगा, जैसे इसमें माइनस का 7.02 डाला था तो माइनस एट आया था, इसी टाइप से इसका जो कर्व बन जाता है। अब बात करते हैं इसके रेंज और डोमेन की। तो देखिए, इसमें रेंज और डोमेन कोई स्पेसिफिक होता नहीं है, इसमें क्या है आपका, ये आप इसको कह सकते हैं तरीके से, इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें क्या है देखिए कि आपने अगर मान लीजिए 1 से लेकर के इसके 1.9 या 2 के बीच में आपने वैल्यूज ली, तो उसके अंदर केवल एक ही चीज आएगी आपके, वो आएगा n। तो आपका ये तो क्या हो गया, आपका डोमेन हो गया, और ये क्या हो गया, आपकी रेंज हो गई। ठीक है ना, तो एक स्पेसिफिक वैल्यू इसमें आपको मिलती है। तो ये थे तीन फंक्शंस। अब आगे के फंक्शंस मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। तो आपको, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसे शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप बताइए इसमें और क्या, और कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल, तो इसमें क्या है वीडियोज आपके छूटेंगे नहीं कोई भी। एंड देन थैंक यू वेरी मच।